हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू डब्ल्यू एस टी कुटेक बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बेसिक प्रोग्रामिंग और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक सिमिलैरिटीज़ सी एंड सी प्लस प्लस के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेज है वो एक बार हम उस कंसेप्ट को ईजिली समझ लें सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू स्विच फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज तो एक बार सिमिलैरिटीज़ चेक करते हैं कि दोनों के बीच में क्या क्या आपकी सिमिलैरिटीज़ रहती है सी वेन यू टॉक अबाउट द सिंटेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज सी एंड सी प्लस प्लस दैट रिमेन्न सेम यानी अगर आपने सी में कोई भी प्रोग्राम लिखा और आप सी प्लस प्लस में उसको लिखते हो तो द सिंटेक्स रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द लैंग्वेजेज ऑल्सो रिमेन द सेम यानी आप वहाँ पे भी वर्ड मेन यूज कर दो या मेन यूज करते हो यहाँ पे भी आप मेन यूज करो थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर है दोनों लैंग्वेज का वो सेम रहता है

By line, I mean like one line been executed and then if there is no error, then it will move to another line. And if there is an error in second or third line, until and unless those error are removed, it will not move on further. तो so, वो आपका interpreter का command होता है या उसका workflow होता है. अगर हम compilers की बात करते हैं, तो compilers basically आपके सारे के सारे code को एक साथ execute करके और जितने भी code में जहाँ जहाँ पे भी error होगी, वो सारा एक साथ आपको बता देगा. So both the compilation of C and C++ remains same, it's similar. ऑल्सो दे शेयर द सेम से आई मीन दी ऑपरेटर्स दी की वर्ड्स आप वहाँ पर जो भी सी प्लस प्लस में यूज़ करोगे वो आपको पता होगा कि आपने वो सी में भी यूज़ किया है थोड़ी सी जो उसकी लाइब्रेरीज होती है वो सी सी प्लस प्लस की सी से थोड़ी ज़्यादा होगी तो हम उसको एक्सटेंडेड ग्रामर भी बोलते हैं अदरवाइज द बेसिक रिमेन्स द सेम एंड मेमोरी मॉडल दोनों का सेम रहता है जैसे स्टैक है हीप है फाइल स्कोप है स्टैटिक वेरिएबल्स है ये भी दोनों में होते हैं तो ये तो आपकी हो गई सिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज़ इन द सेंस कि दोनों लैंग्वेजेस के बीच में जो बहुत कॉमन चीज़ें थी जो आपने पढ़ रखी है ये उन कंसेप्ट को रिवाइज हो गया लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम क्यों C++ पढ़ रहे हैं और C से ज़्यादा उसके क्या एडवांटेजेस है कि हम C++ में हॉप करते हैं तो अगर हम इसको फर्स्ट कंसेप्ट वाइज देखते हैं तो सी एक प्रोसीजरल स्टाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है प्रोसीजर मीन्स आपके पास आप हर चीज़ को एक फंक्शन mm -hmm. या प्रोसीजर के थ्रू स्पेसिफाई करते हो और उसको एग्जीक्यूट करते हैं बट वेन वी टॉक अबाउट सी प्लस प्लस तो ये आपको दोनों पैरामीटर्स प्रोवाइड कराती है इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दी प्रोसीजर वाइज यू कैन गो फॉर द प्रोसीजर वाइज इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर दी ऊपस वाइज़ यू कैन गो फॉर दी ऊप वाइज ऑल्सो तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स या आप कह सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म टाइप की चीज़ मिल जाती है या ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप अपना प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जहाँ हम सी के डेटा की बात करते हैं वो बहुत आ, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है क्योंकि आप डायरेक्ट वेरिएबल्स का यूज़ करते हो वहाँ पे लेकिन जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी इस कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स और उसके फंक्शंस की बात करते हैं तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो डिटेल्स होती है वो सब हिडन होती है तो जब वो हिडन है तो उसको आप क्लास के बाहर या Uh, उसको प्रोग्राम के बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकते तो जब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते तो दैट मीन्स योर डेटा इज मोर सिक्योर एज कम्पेयर टू दी सी लैंग्वेज ना यहाँ पे जब हम अप्रोच फॉलो करते हैं वो होता है टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच मीन्स आप प्रोग्राम को स्टार्ट से लिख रहे हैं देन यू मूव ऑन टि दी एंड लेकिन जब हम सी की बात करते हैं तो ये बॉटम अप्रोच लेता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं देन वी मूव ऑन टू द फंक्शनिंग ऑफ द क्लास एंड सो ऑन सो यहाँ पे हम बॉटम टू अप अप्रोच कर रहे हो और सी में आप टॉप टू बॉटम में अप्रोच करोगे सो देर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच इन बोथ द लैंग्वेजेस नाउ द नेक्स्ट इज सी डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहाँ पे हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है और एक ही नाम का फंक्शन है और आप उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हो to give different different set of outputs that means the function is been given different different set of inputs to give different different set of outputs a ki naam ka function hai lekin uske set of inputs uh, different hai to produce the different output to तो c mein ye cheez support nahi hoti hai lekin aapka c++ functions overloading ko support karta hai हमने एक word पढ़ा भी था जिसको हम बोलते हैं polymorphism तो polymorphism आपके इसी particular step की बात कर रहा है कि आपके पास एक particular कोई भी एक फंक्शन है जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हो तो सी ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता है यू कैन नॉट यूज़ फंक्शन इन स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक तरह से आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप समझ सकते हैं सी और सी प्लस प्लस दोनों में यूज़ होता है वहां पे आप फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते लेकिन सी प्लस प्लस में आप कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल एक बहुत ही दूसरा कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है जिसमें हम डायरेक्टली उस मेमोरी के एक्चुअल एड्रेस पे और हम उस पर काम करते हैं तो सी में हम नहीं कर सकते बट इन सी प्लस प्लस आप इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे भी काम कर सकते हो जब आप कोई भी इनपुट पैरामीटर्स लेते हैं और स्क्रीन पे कोई भी वैल्यूज प्रिंट करते हैं जैसे अगर आपको कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट करनी है सी के अंदर तब आप वहाँ पे स्कैन मेथड का यूज़ करोगे और आपको कोई भी वैल्यू अगर स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तब आप प्रिंट मेथड का यूज़ करोगे लेकिन अगर हम यही बात सी प्लस प्लस में करते हैं तो हमारे पास सी इन और सी आउट ऐसे दो मेथड अवेलेबल होते हैं टू परफॉर्म दीज पर्टिकुलर सिंपल स्टेप्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब हम एक ऊपस के कंसेप्ट की बात करते हैं जैसे हमने एक बात करी थी कि एडिशन फंक्शन हमने बात की थी सिमिलरली मैं प्लस का भी यूज़ कर सकती हूँ तो प्लस का मतलब क्या होता है अगर मैं टू प्लस फाइव लिखूंगी तो ये आपको सेवन देगा अगर मैं सेवन प्लस वन पॉइंट वन लिखूँगी तो ये मुझे एट पॉइंट वन देगा सिमिलरली अगर मैं ए प्लस बी लिखूंगी तो ए बी सो दिस की प्रोवाइड करा बी यूज वेरिएबली सो यहाँ पे सी प्लस प्लस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट कर सकते हैं बट सी के अंदर आपके पास ये सपोर्ट नहीं होता सी के अंदर आप अपने सारे प्रोग्राम को प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो सी जब हमारे पास कोई बहुत एंटायर बहुत बड़ी टास्क होती तब हम उसको छोटे छोटे प्रोसीजर्स या मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उसको एक साथ कंपाइल कर देते हैं सो दैट आर टास्क बिकम ईजियर टू कैरी आउट बट आपको ये प्रॉब्लम C++ में नहीं होती क्योंकि हम यहाँ पे जनरली क्लासेस की बात करते हैं और क्लास के अंदर हमारे पास जनरली फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो एक्चुअल में आपस में एक दूसरे को डिवाइड ही कर रहे हैं तो वो वो टास्क क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू डूइंग इट विद द प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स इट डज़ नॉट प्रोवाइड फीचर्स ऑफ नेम स्पेस नेम स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो ये बहुत आपको सुनाई देगा और आप इसको समझोगे नेम स्पेस जनरली डिफाइंस द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर इन पर्टिकुलर वर्क आप एरिया कह सकते हो या ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हो टू बी मोर प्रोसाइज तो नेम स्पेस का फीचर आपका सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है लेकिन सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है अब ये नेम स्पेस कहाँ आता है और कैसे आता है इसको हम जब हमारे सिंपल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे वहाँ पर इसको ईजिली समझ पाएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इज नॉट ईजी इन सी इट हैज़ टू परफॉर्म यूजिंग अनदर फंक्शन जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी आर बाउंड टू मेक सम एरर बट देर इज ऑल्सो बाउंडेशन ऑन डैट कि वो एक्सेप्शन इस तरह से रेज अप हो कि इट इज़ नॉट विजिबल एंड इट इज़ हैंडल्ड केयरफुली तो सी के अंदर ये हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट हमारे पास सी प्लस प्लस में ट्राई और कैच मॉड्यूल अवेलेबल है जो हमको ईजिली हेल्प आउट करता है इसको हैंडल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट कंसेप्ट होता है वो होता है हमारा इनहेरिटेंस सी इन्हेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वह उसका इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और C++ उस इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है यू विल फाइंड इट मोर इजी टू प्रोग्राम इन C++ प्लस प्लस रादर टू प्रोग्राम इन सी क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास को लिख सकते हो और उसको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो जबकि अगर यही अप्रोच अगर आपको सी में करनी होती तो हमको उसी फंक्शन को बार बार डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिखना पड़ता है I mean you have a vast set of advantages why to use c and why not to use uh, I mean why to use C plus plus and why not to use c and c we are not saying that language kiko used. but when we talk about differences, so yes, c is an oops language so definitely it has some more upper hand as compared to the C but C b both strong language both the languages are very strong and both stand their own parts and they are doing very well together and differently also. बट हमारा कंसेप्ट अभी हम सी की बात सी प्लस प्लस की बात करेंगे तो हम सी प्लस प्लस के ऊपस के कंसेप्ट ज्यादा ध्यान देंगे प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले हम इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग देर आर मेनी एडिटर्स अवेलेबल वील गो विद सम सिंपलर काइंड ऑफ एडिटर्स सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू इंस्टॉल ऑल्सो एंड टू कैरी आउट आर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन प्लीज कीप लर्निंग एंड डू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड योर Oops, concept because that forms the major part of your programming. See you, students. Thank you, everybody.